हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू गुड एंड हेल्थ वाइज आल्सो गुड। चलिए आज हम देखेंगे जो हमारे घर में ऊनी फैब्रिक हैं, जैसे महंगे महंगे फैब्रिक होते हैं ऊनी, जो सर्दियों में हम पहनते हैं, यूज़ करते हैं, वो कहीं से कट जाते हैं, तो उसको हम घर पर रहकर कैसे रिपेयर कर सकते हैं। देखेंगे आज हम स्वेटर के अंदर होल हो जाए तो उसे हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये होल है, हमें इसे रिपेयर करना है। हमें चाहिए होगी सीजर, नीडल 10 नंबर की और थ्रेड चाहिए होगा। थ्रेड थोड़ा डार्क है स्वेटर के कलर के मुकाबले, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो थ्रेड है वो अंदर जाएगा, बाहर नहीं दिखता। ट्रिक देख लेते हैं, नीडल आई के अंदर थ्रेड को कैसे इंसर्ट करेंगे। ये ट्रिक मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, आपको ये सीख लेना चाहिए, बहुत ही गजब की ट्रिक है। देखेंगे फिर से, यस, बड़ी आसानी से, बड़ी मुश्किल होती है कि नीडल आई के अंदर थ्रेड को कैसे इंसर्ट करें, लेकिन ये ट्रिक अगर हम जान लेंगे तो आसानी से हम सुई में धागा डालना सीख जाते हैं। धागे के पिछले हिस्से पे हम एक गांठ लगा देते हैं ताकि वो रुक जाए मजबूती से। देखिए, हम सीखते हैं देखकर, बिल्कुल ऐसे ही। ये देखिए, जो गांठ वाला हिस्सा था हमने उसको अंदर दबा दिया है और ऊपर से हल्के हल्के, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती इस ऊनी फैब्रिक में। जो ऊनी स्वेटर होते हैं हमारे, ऊनी शॉल हो, जर्सी हो, कुछ भी हो जो हम पहनते हैं, देखिए उसे कितनी आसानी से हम रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। हम सीख जाएंगे, हम घर पर रहकर इसे कर सकते हैं। ये देखिए, वैसे तो कुछ मुश्किल नहीं होता है अगर ठान लेके हमें सीखना है, बिल्कुल ऐसे ही। ये देखिए बनने वाला है। हर बार की तरह बोलूंगा हाँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ऑल पर, ताकि इस तरह के कंटेंट आपको हर बार और पहले मिलते रहें और आप ऐसे ही सीखते रहें। देखिए लगभग बन गया है। बिल्कुल ऐसे ही, और थोड़ा सा धागे साफ कर लेंगे पीछे से। चलिए, अपना ख्याल रखिए ढेर सारा, बहुत सारा, अपने परिवार का भी खास ख्याल रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो चैनल पे वीडियो अपलोड है वो देखते रहिए। ओके, गुड बाय।